पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर आई चौंकाने वाली जानकारी। देखिए कौन सी पार्टी ने कितने धनाढ्य नेता को दिया टिकट। अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में मायावती सबसे अव्वल, लेकिन अन्य पार्टियां भी पीछे नहीं। सपा, कांग्रेस और बीजेपी भी इसमें मार रही बाजी। बीएसपी ने इस लोकसभा सीट से सबसे अमीर नेता को दिया टिकट। देखिए कितनी संपत्ति का मालिक है बहन जी का उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर जारी हैं और जोर शोर से प्रचार का दौर चल रहा है। ऐसे में अब एडीआर की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासा अमीर उम्मीदवारों को लेकर हुआ है। पहले चरण के मतदान होने में अब बस कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी ने किस धनाढ्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जब आपको पता चलेगा तो फिर आप भी दंग रह जाएंगे। मामले में अव्वल मायावती को माना जा रहा है। इलेक्शन वॉच और एडीआर के द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले चरण के उम्मीदवारों पर रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीएसपी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा धनी हैं। उनकी औसत संपत्ति समाजवादी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवारों से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के दौरान 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे पहले एडीआर की सभी 80 सीटों को लेकर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में शपथ पत्रों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पैसा बीएसपी के उम्मीदवारों के पास है। पहले चरण की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उन सीटों पर 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। 80 उम्मीदवारों में से करीब 43% यानी 34 उम्मीदवार करोड़पति हैं। अगर औसत संपत्ति की बात करें तो बीएसपी प्रत्याशी सबसे ज्यादा धनी हैं। बीएसपी के 8 प्रत्याशियों की औसत संपत्ति लगभग 13.19 करोड़ रुपए है। इस चरण में बीएसपी के सभी 7 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसके अलावा बीएसपी के 8 में से 7 और सपा के 7 में से 5 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार इमरान मसूद भी करोड़पति की सूची में शामिल हैं। बीएसपी के बाद सबसे ज्यादा औसत संपत्ति बीजेपी उम्मीदवारों की है। बीजेपी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 11.61 करोड़ रुपए है। इस चरण में सपा के 7 उम्मीदवार हैं, जिनकी औसत संपत्ति 6.67 करोड़ रुपए है। पहले चरण में सहारनपुर से बीएसपी के उम्मीदवार माजिद अली सबसे अमीर हैं। बीएसपी उम्मीदवार की कुल संपत्ति 159 करोड़ रुपए है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार तस्मीम बानो की संपत्ति 78 करोड़ है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद की कुल संपत्ति 29 करोड़ रुपए है। बता दें कि पहले चरण के अंतर्गत राज्य में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर प्रशासन, आवाम सब हैरान हैं कि नेता इतने अमीर भी हो सकते हैं, जो दावा करते हैं कि हम किसान के बेटे हैं और हम समाज सेवक हैं, वो आखिर करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।